तो हेलो तो बात कर लेते हैं ईस्ट बंगाल के बारे में तो कल ये रूमर बहुत ही ज्यादा था मतलब बहुत ज्यादा था कि ईस्ट बंगाल में आने वाले जो कि मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला इनियस्ता एस्ता ईस्ट बंगाल तो छोड़ो आई में ही नहीं आएगा एंड यू नो इनस्ता के जो एजेंट है उन्होंने खुद सामने आके बाद में कन्फर्म किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला आंध्रेनियस्ता किसी भी क्लब में अभी नहीं जाने वाले एंड वो अभी विसिल कोबे में ही रहने वाले एक तरह एकबे के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है एंड उसके बाद हो सकता है कि मतलब ये जस्ट मेरा प्रोडिक्शन है कि उनको लाइक वो एज अ कोच या फिर कुछ वैसे पोस्ट में चले जाए नेक्स्ट मुझे नहीं लगता कि आंध्रेनियस्ता और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम है एंड आई में आने का उनका चांस तो लिटरली बहुत कम है सो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी एंगल से ऐसा कुछ होने वाला है बट ऑफकोर्स र्यूमर था एंड कवर करना भी इंपॉर्टेंट था कवर करके बता दिया है ईस्ट बंगाल में नहीं आने वाले ईस्ट बंगाल अभी थोड़ा थोड़ा यू you नो know, सेट कर रहे अपनी टीम को बट इतना कोई बड़ा प्लेयर साइन करने का उनका तो कोई अभी प्लान नहीं है अब यू uh, नो you know, देखते कि ईस्ट बंगाल के इस सीजन में नए फॉरेन प्लेयर्स कौन होते हैं चेन्नई चेन्नासी की तरफ से तो चेन्नई ने इंटरेस्ट चेन्ना है विलियम के उपर, and, uh, you know, भी है एंड बाद uh, विलियम कार्वर हो सकते हैं चेन्नई चेन्नईसी के नए कोच इनका एज फिफ्टी इन्होंने काफी सारे इंग्लिश क्लब्स को लाइक यू नो मैनेज किया है लाइक न्यू भी मैनेजर थे दो महीने के लिए मतलब दो नहीं एक महीना ही बोलूंगा मैं प्रॉपरली तो हाँ मतलब मैनेज तो काफी क्लब्स को किया है रिसेंटली वो स्कॉटलैंड के नेशन टीम के असिस्टेंट मैनेजर भी रह चुके हैं सो एक्सपीरियंस है बट लाइक यू नो रिकॉर्ड बहुत कुछ खास दे रहा है एज अ मैनेजर बट ठीक है यार काफी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है एंड इन्होंने वेस्ट बॉन्ग को भी यू you नो know, इनको भी असिस्टेंट मैनेजर रह चुके हैं एंड और भी बहुत सारे टोरंटो को मैनेज किया, को किया है लूटॉन को मैनेज किया लीड्स यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर रह चुके हैं so, तो हाँ बहुत टाइम से इस लाइक यू नो सेक्शन में तो है बट एज अ रिकॉर्ड वाइज अगर हम लोग देख लें तो बहुत कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है एवरेज टर्म एज कोच भी बहुत ही कम है जीरो पॉइंट फोर्टी थ्री ईयर्स है जो कि एक क्लब के लिए बहुत कम होता है मतलब मतलब आधा साल भी नहीं छह महीना भी नहीं कुछ चार मतलब दो तीन महीना ऐसे करके वो रहते हैं क्लब में एवरेज में बता रहा हूं तो जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब दो तीन तो पीरियड है कि अगर वो चैनल तो कैसा होगा बट शायद वो हम सबको शॉक कर सकते हैं जो कि एक पॉसिबिलिटी है वैसे एंड यू नो बात तो काफी तक तो का आगे बढ़ चुका है अब देखते कि क्या यू नो जॉन विलियम कार्बर बनते हैं चैनल कुछ है नहीं एडी मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल की तरफ से तो दोनों ही क्लब्स ने इंटरेस्ट दिखाया विशाल कैद के ऊपर अब के मोहन बगान को भी एक गोलकीपर चाहिए जो कि काफी ही ज्यादा एक कॉमन सा बात है एंड मेरे हिसाब से लाइक like, अगर हम लोग देख ले विशाल कैद तो विशाल कैद अच्छे गोलकीपर है नो no डाउट काफी बढ़िया गोलकीपर है एंड अरिंदम को भी लाइक like, रिप्लेस करेंगे लाइक ईस्ट बंगाल में अरिंदम को रिप्लेस करेंगे अगर वो ईस्ट बंगाल में जाते तो एंड अगर वो एडीके मोहन बगान में आते तो वो अमरिंदर सिंह को रिप्लेस करेंगे क्योंकि अमरिंदर सिंह कंसिडर किया जा रहा है कि वन ऑफ द यू नो वोस्ट साइनिंग फॉर एटी के मोहन बगान इस सीजन में So, वो एक काफी ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है एंड मेरे हिसाब से लाइक like, ये चीज जब तक वो सॉल्व नहीं कर पाते तो एडिगे मोहन का एक गोल कीपिंग पोजिशन में एक अच्छा गोलकीपर होना काफी इंपॉर्टेंट है इस सीजन हम लोगों ने देखा है कि काफी बार ऐसा उन्होंने गोल कंसीड किया है जो कि लाइक नो जरूरी नहीं था बट फिर भी उन्होंने कंसीड किया है एंड एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ये एंड जो भी हो याद देखते हैं कि फाइनली विशाल कैद करना है आई का क्लब कौन सा नहीं होता है शुभो पॉल की तरफ से तो शुभो पॉल जिनको याद नहीं है मैं बता दू शुभो पॉल करेली यू you नो know, बायिनिक के स्क्वाड के साथ वर्ल्ड स्क्वाड के साथ है इंडिया से उनको सिलेक्ट किया गया है तो बायोमेक का ये जो वर्ल्ड स्क्वाड है वो एक्चुअली ब्राजील जा रहा है एंड कुछ वो फ्रेंडली मैचेस खेलेंगे कुछ यू नो एज टीम के में मतलब अंडर 23 ऐसे क्लब टीम के में फ्रेंडली मैचेस खेलेंगे एंड उस टीम में शुभो पॉल भी है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा बात है मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड ये देखने में कि शुभो पॉल वहां पे एक्चुअली कैसा गेम खेलते हैं एंड कैसा उनका परफॉर्मेंस रहता है वहां पे अगर उनको मौका मिले तो टेलीकास्ट तो खैर पता नहीं टेलीकास्ट होगा या नहीं मतलब अगर कहीं पर भी यूट्यूब पर भी टेलीकास्ट होता है तो वो भी काफी बढ़िया चीज होगा बट अभी तक टेलीकास्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है चांसेस यही है कि टेलीकास्ट नहीं होगा सैडली पता है मतलब हम सब चाहते ही थे कि यार मैचेस टेलीकास्ट हो बट सैडली टेलीकास्ट नहीं होगा एंड शुभ पॉल लाइक like, इंडिया के लिए बहुत बड़ा बात है शुभ पॉल काफी कंसिस्टेंटली लाइक यू नो के साथ है एंड अगर लाइक यू नो चांस में उनको अगर मेन स्क्वाड में मौका मिल जाता है तो इससे ज्यादा बड़ा बात कुछ होगा नहीं एंड हम सब चाहते हैं कि उनका गेम और इंप्रूव हो ऑलरेडी बहुत इंप्रूव गेम है इनका क्योंकि तो एक तरह बा एंड मिनिके वर्ल्ड स्क्वाड में रहना एंड उसमें चांस मिलना है अपने आप में बड़ा बात है वहां पर जब वो रहे तो उनका गेम भी काफ़ी ज्यादा इम्प्रूव हुआ होगा बहुत कुछ इनको सीखने को मिला होगा एंड डेफिनेटली हम लोग इनको फिर से देखना चाहते हैं इंडिया के स्क्वाड में देखना चाहते हैं एज भी ज्यादा नहीं है सिर्फ अठारह साल है इनका एज तो अभी भी, भी आराम से लाइक like, इनका करियर तो अभी ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुआ है इसी में लाइक like, इनका इतना बड़ा एक जंप देखने को मिला है सो डेफिनेटली एक्साइटेड तो हूं मैं एक फॉरवर्ड पोजिशन के प्लेयर है जो कि इंडिया हमेशा ही से ही यू नो स्ट्रगल करते हुए आ रहा है फॉरवर्ड पोजीशन को लेकर फॉरवर्ड में हम लोगों को ज्यादा अच्छे प्लेस मिलते नहीं है बट शुभ पॉल इस प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं एंड देखते कि यू नो शुभ पॉल इस जो भी ये टूर है उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहता है एंड उम्मीद करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस बाय मूनिक में यू you नो know, अच्छा हो सर इसी गोवा की तरफ से तो बहुत बहुत लोगों ने पूछा है क्या एफ सी गोवा का नया मिडफील्डर कौन होने वाला है एंड मुझे पता है कि रेडियो मीडिया का तो कॉन्ट्रैक्ट सेशन ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीट कर लिया एंड मैंने कल ही कवर करके आपको बता दिया था बट uh, यहाँ पे र्यूमर आप बोल सकते हो बेसिकली लोगों का स्पेकुलेशन है कि एफ सी गोवा यू नो एड्रियल लूना एंड के साथ बात करें जो कि बिल्कुल भी नहीं है किसी भी एंगल से एफ सी गोवा इन दोनों प्लेयर्स के साथ किसी भी जगह में बात नहीं कर रहे मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ और एक और बात एड्रियल लूना का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है केरला के साथ एक और साल एंड हुगो हुस का

बात कर रहे हैं बट अभी के लिए तो कोई भी ज्यादा बात नहीं चल रहा है एंड यू नो मतलब स्पेशली इन दोनों प्लेयर्स के साथ तो किसी भी आई के क्लब ने बात नहीं किया है क्योंकि यार कोई फायदा ही नहीं है बात करके आपको पता है कि यार दोनों प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है हाँ एक हो सकता है कि इंक्वायरी किया गया होगा इंक्वायरी करना और बात करने में बहुत डिफरेंस है एंड लाइक like, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में सो so, वैसा कुछ नहीं होने वाला है एंड ना जो भी वो देखते कि नए मिडफील्डर्स कौन होते हैं सबसे यूफ एन एशियंस लीग की तरफ से तो यूफे नेशियस लीग में आज रात को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मैच है जर्मनी वर्सेज इंग्लैंड एंड ये मैच लाइक बहुत एक इंटरेस्टिंग सा मैच होने वाला है क्योंकि जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड हमेशा से ही एक काफ़ी ज्यादा टक्कर का एक राइवल वाला मैच कंसीडर किया जाता है अभी से नहीं बहुत पहले से लाइक आप 1950 60 से ही ये ये जो मैच है ये बहुत एक बिग मैच कंसीडर किया जाता है स्पेशली नाइनटीन के बाद से क्योंकि दोनों को शायद याद नहीं होगा बट नाइनटीन में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें एक्चुअली यू नो जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल हुआ था बट ठीक है मैं उस पर ज्यादा नहीं बात करूंगा बट मेन बात वही है कि हाँ काफी ज्यादा एक हाई इंटेंस मैच होने वाला है एक्सपेक्टेशन तो वैसा ही है इंग्लैंड का भी स्टार्ट कुछ ज्यादा अच्छा रहा नहीं है मतलब हंगरी के अगेंस्ट में वो हार गए थे से आफ्टर लाइक सिक्सटी इयर्स तो जर्मनी का भी फर्स्ट मैच ड्रॉ में एंड हुआ था बट वो इटली के अगेंस्ट में था एंड वो फिर भी एक टक्कर का कंसिडर किया जाता है बट हाँ इस ग्रुप में लीग है ग्रुप थ्री में एक्चुअली हंगरी नंबर वन पोजिशन में क्योंकि इंग्लैंड ने पहला मैच हारा है जर्मनी इटली ने ड्रॉ किया तो काफी एक इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है एंड देखते कि यह मैच फाइनल लीग कौन सा टीम जीतता है सक्शन बार्सिलोना की तरफ से तो बार्सिलोना ने खैर ऑफर तो किया था रफीना को रफीना ट्वेंटी फाइव ईयर और राइटिंग पोजिशन के प्लेयर है काफी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है बहुत ही एक बढ़िया प्लेयर है अटैक में तो खैर नेक्स्ट लेवल प्लेयर है ब्राजीलियन प्लेयर है रफीना एंड इनके ऊपर यू नो लिवरपुल ने भी इंटरेस्ट दिखाया था बट रफीना ने लिवरपुल का जो ऑफर है उसको टर्न डाउन कर दिया है एंड यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रफीना लीड्स के बाद अभी यू नो बार्सिलोना में जाएंगे जो कि बहुत ही बढ़िया डील होगा बार्सिलोना के लिए अब देखते क्या ये फाइनली क् बार्सिलोना में अत्या नहीं